मेरे फादर मुड़-मुड़ के देखते थे बड़ी गाड़ियों को, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं इस बारे में। ये मेन रीजन था मैम कि मैंने अपना बजट बढ़ाया, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा के इमोशंस ज्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे बजट से। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आज हम आपके पास आए हैं ओनर्स रिव्यू लेके किया सेल्टॉस का, जो आज की डेट में हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल बन चुका है। हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये। ये इसका पर्टिकुलर जो मॉडल है, दिस इज़ एसटीएक्स, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, और इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख के अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। वो सारी डिटेल्स मैं ओनर से पूछूंगी, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इस गाड़ी के एक्सटीरियर का, इंटीरियर का और इंजन का। सो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर पार्ट से, फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपके पास ये टाइगर नोज ग्रिल दी गई है, ये पॉइंटेड इसकी ग्रिल है, इसलिए इसको टाइगर नोज कहा जाता है। यहाँ पर बहुत स्मार्टली जिगजैग क्रोम का यूज़ किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। एलईडी हेड लैम्प्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जिसमें आपके आउटर साइड के दोनों बीम हाई बीम के लिए हैं, ये आपका लो बीम के लिए है। नीचे आपके पास एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो इसके डीआरएल है वो इसके मर्ज होते हैं सेंटर तक जाके दोनों साइड से, और ये क्रोम की हेल्प से इनको कनेक्ट किया गया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे की साइड में आपके पास नंबर प्लेट की जगह है, उसके नीचे आपके पास रेडिएटर ग्रिल दी गई है, और ये है आपकी स्किड प्लेट। ये है आपका फ्रंट प्रोफाइल, जो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सॉरी मैंने मिस किया है, क्यूबिकल फॉग लैंप्स भी आपको दिए गए हैं। जो लाइट का पैटर्न है वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, जैसे क्यूबिकल आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं, ये लाइट भी चार पोर्शन में डिवाइड करके दी गई है, जो इसकी लुक को बहुत ही क्लासी और एलिगेंट बना रहा है। तो फ्रंट प्रोफाइल में कार फैब है। अगर आप इस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे टॉप एंड वेरिएंट से, तो सिर्फ एक फ़र्क है फ्रंट प्रोफाइल में, वो है इसके फ्रंट कैमरे का, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ सेम है। तो अगर आप इस मॉडल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, वैल्यू फॉर मनी इज़ एसटीएक्स ओनली। अब आइए इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में आके सबसे पहले आपको इसके टायर्स नोटिस में आएंगे, जो हैं 17 इंचेस अलॉय व्हील्स। अगर आप जीटीएक्स मॉडल लेते हैं तो टायर साइज 17 इंचेस रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर अलॉयज का डिज़ाइन है, ये चारकोल ग्रे कलर में आपके पास है, उसमें आपको ड्यूअल टोन में अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और पीछे आइए, ये है इसका ORVM, टर्न इंडिकेटर के साथ इसको दिया गया है। ये इसके हैंडल्स हैं, क्रोम हैंडल्स इसमें दिए गए हैं। ये है इसका फ्यूल टैंक, और इस टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर्स, और इस कार की माइलेज अप्रॉक्सीमेटली कंपनी 15 कहती है। बात करेंगे ओनर से कि कितनी देती है। अगर मैं साइड प्रोफाइल में इसको कंपेयर करूँ एसटीएक्स को जीटीएक्स के कंपैरिजन में, तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है टॉप एंड मॉडल से इसमें, कि जो आपके अलॉयज हैं वो उसमें ड्यूअल टोन में, इसमें सिंगल टोन के अंदर है। ठीक है, बस एक डिफरेंस ये है। अब आइए इसके बैक प्रोफाइल पर। बैक प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना है, आपको रूफ रेल्स भी दिए गए हैं ऊपर इसमें। ये है आपका स्पॉयलर, ये आपकी बैक लाइट है, दिस इज़ योर डीफॉगर। यहाँ पर किया का लोगो है, पहले ये डिफरेंट लोगो आता था, इसका डिज़ाइन चेंज किया गया, तो जो आप नई अब किया लेंगे उसके अंदर आपको इस टाइप का डिज़ाइन मिलेगा, इस टाइप का लोगो मिलेगा। ये इसके LED टेल लैम्प्स हैं, ये इसके जो टर्न इंडिकेटर है आपको हैलोजन में दिए गए हैं। दिस इज़ योर रिफ्लेक्टर, सेल्टॉस इसमें मेंशन किया गया, जो इस कार का नाम है। नंबर प्लेट की जगह है, यहाँ पे बहुत स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया, बहुत एलिगेंट लग रहा है ये। यहाँ पर आपके पास रिवर्स कैमरा दिया गया है, ये आपके पास पार्किंग सेंसर हैं, दो ऊपर की साइड में और दो ये नीचे। ये जो आपको दिया गया है ये फेक एग्जॉस्ट का आपको लुक देगा, ये दोनों साइड में ड्यूअल एग्जॉस्ट नहीं है, फेक एग्जॉस्ट बनाया गया है। ये आपके स्किड प्लेट है, नॉर्मल एग्जॉस्ट आपका नीचे दिया गया है। अब चलिए इसके बूट के अंदर चलते हैं। बीइंग अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस है आपके पास, 435 लीटर्स की कैपेसिटी है इसके अंदर, और अपना सामान भर भर के आप अच्छे खासे ट्रिप पे जा सकते हैं। यहाँ नीचे इसमें स्पेयर टायर दिया गया है, जिसका प्रोफाइल इज R16, 16 इंचेस का है ये। नॉर्मल टायर आपके 17 इंच के हैं, 1 इंच छोटा है ये, तो आप इसको इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, लॉन्ग रन के लिए नहीं प्रेफर्ड है ये। और ये अलॉय व्हील्स के साथ भी, अलॉयज भी नहीं है इसके अंदर। और जो इसकी ओपनिंग है वो भी मैनुअल है टेल गेट की, आपको इसमें कोई हाइड्रोलिक ओपनिंग नहीं मिलती है। अब आइए इसके गेट के ऊपर। यहाँ पर आपको इसमें सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, नॉर्मल ब्लैक का यूज़ किया गया है, वाइट कलर का इसमें यूज़ किया गया है, ऑफ वाइट कलर है बेसिकली ये। और यहाँ पर इसके स्पीकर दिए गए हैं, ये पावर विंडो का ऑप्शन है आपका। यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, नीचे बॉटल होल्डर है, छोटा सा स्टोरेज यहाँ पर भी है, और ये आपको सिल्वर में इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अगर सिटिंग कंफर्ट की मैं बात करूं तो यस, नो डाउट सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से आप बैठते हैं, थोड़ा रिक्लिनेशन है सीट्स के अंदर, तो आप बहुत आराम से बैठेंगे।
बहुत अच्छा खासा आपके पास इसमें नी रूम और हेड रूम है। अगर अच्छी खासी हाइट वाले भी है, मेरी हाइट तो 5'5" है, अगर मुझसे बहुत लंबे हैं तब भी बहुत अच्छे से बैठ पाएंगे वो। और अगर आप 5 जने इसमें ट्रैवल करते हैं तो जो सेंटर में बैठेंगे उनके लिए इतना सेटिंग कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो आपका बैक है वो थोड़ा हार्ड है तो बीच वाले को थोड़ी दिक्कत होने वाली है। थोड़ा बहुत ड्राइव है देन इट इज़ ओके, अगर लॉन्ग रन है तो प्रेफर कीजिए कि 4 ही लोग ट्रैवल करें इसमें। सामने अगर हम देखते हैं, दिस इज़ स्मार्ट प्योर एयर, एयर प्योरीफायर दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स हैं, नीचे आपके पास यूएसबी पोर्ट दिया गया, छोटी सी स्टोरेज आपके पास ये है। यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर दिए गए हैं, ये है इसका हैंड रेस्ट एंड दिस इज़ विद ट्विन कप होल्डर। नई गाड़ी है ये ओनर की, तो मेरी आदत है वैसे तो सबकी ये फाड़ने की पॉलिथिन, लेकिन नहीं इसको रहने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसकी एंट्री में आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, इसकी हेल्प से आप कार के अंदर जाएंगे। इसका फ्रंट गेट देख लीजिए, अगेन बहुत अच्छा सा है, इसमें मेट ब्लैक का, पियानो ब्लैक फिनिश का एंड ऑफ वाइट का यूज़ किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। सिल्वर डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं, ये आपका ट्विटर है, ये आपका स्पीकर है, ये ORVM कंट्रोल है, लॉक अनलॉक के लिए दिया गया है, पावर विंडो के ऑप्शन हैं और जो ड्राइवर वाली विंडो है वो आपकी ऑटोमेटिक है, बाकी आपकी सब नॉर्मल है। अंदर जाने से पहले आपको मैं इसकी की दिखा देती हूँ, ये लॉक के लिए है, ये अनलॉक के लिए, दिस इज़ फॉर होल्ड एंड दिस इज़ फॉर बूट ओपनिंग। और ये बैक साइड में आपके पास जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इसकी की को निकाल सकते हैं ऐसे। अब चलिए चलते हैं कार के अंदर। इसकी जो सीट्स हैं दीज आर 8-way मैनुअली एडजस्टेबल, इससे आप इसको अप डाउन करेंगे, इससे इसका ये बैक आगे पीछे कर सकते हैं, नीचे की साइड से इसकी सीट को आप आगे पीछे करेंगे, और ये आपका हेडरेस्ट है जिसको आप साइड वाले बटन को प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है, दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी लाइट की इंटेंसिटी को आप इसकी हेल्प से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और ये आपका हेडलाइट लेवलिंग के लिए दिया गया है। उसके ऊपर आपका AC वेंट दिया गया है और इसको बहुत अच्छे से सराउंड किया गया है सिल्वर कलर के साथ। फ्रंट में मेरे पास है इसका स्टीयरिंग, दिस इज़ लेदर रैप्ड 3-spoke स्टीयरिंग, बीच में इसमें किया मेंशन किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वॉइस कमांड है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये लीवर आपका वाइपर के लिए दिया गया है, राइट हैंड साइड में ये लीवर आपका हेडलैम्प्स के लिए दिया गया है, और जो आपके हेडलैम्प हैं वो ऑटोमेटिक हैं। फ्रंट में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो एनालॉग है, यहाँ पर आपका RPM मीटर शो कर रहा है, राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा है, बीच में आपका MID है जो आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कार से रिलेटेड, लाइक योर टायरट्रॉनिक्स, आपकी एवरेज क्या है, टेम्परेचर कितना है, ट्रिप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर से मिलती है, फ्यूल इकोनॉमी एवरीथिंग। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, इसमें आप अपना नेविगेशन ऑपरेट कर सकते हैं, रेडियो, मीडिया, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब चीज़ें इसमें लोडेड हैं। नीचे आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं, AC कंट्रोल आपके पास यहाँ दिए गए हैं, उसके नीचे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 more USB पोर्ट। यहाँ पे आपके पास छोटी सी स्टोरेज दी गई है, ये एक और आपके पास स्टोरेज है। अगर आप टॉप एंड मॉडल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। ये इसका गियर लीवर है, इसके अंदर 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है, ये कैमरे के लिए दिया गया है आपको, ये है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर है। जो आपका डैशबोर्ड है वो बहुत ब्रॉडर सा अपीयरेंस देता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर मैट ब्लैक का यूज़ किया गया है, नीचे आपके पास लेदर का यूज़ किया गया है, अगेन प्लास्टिक का यूज़ किया गया है ऑफ वाइट कलर में, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है इट इज़ सुप्रीम, अच्छी क्वालिटी का इसमें प्लास्टिक यूज़ किया गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो कार में आपको फिट एंड फिनिश वाइज बहुत ऑसम सी फीलिंग आने वाली है। दिस इज़ इट्स हैंड रेस्ट, इसके अंदर ये स्टोरेज दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM दिया गया है, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर सनरूफ है, इसको ऑपरेट करेंगे आप यहाँ से। सामने है इसका ग्लव बॉक्स जिसके अंदर अच्छा खासा स्टोरेज है, इसकी बुकलेट रखने के बाद भी आपके पास जगह होगी। अब बात करते हैं इसके इंजन की, इसके अंदर 1.5 liter पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 113 BHP की, और जो इसमें आपको टॉर्क मिलेगा दैट इज़ 144 Nm, तो अच्छा खासा आपको टॉर्क मिल जाता है। लास्टली बात करेंगे इसकी सेफ्टी की, ग्लोबल एनकैप रेटिंग इस कार की 3-star है, इसके अंदर 2 एयर बैग्स है, ABS, EBD, ESP, ये सब इसमें है कार के अंदर आपके पास। इसके अंदर जो ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं वो फ्रंट में डिस्क है और रियर में ड्रम का यूज़ किया गया है। ये था हमारा रिव्यू 1.5 liter पेट्रोल इंजन का STX मॉडल का,
कि इसका एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, इसका इंजन कैसा है, सेफ्टी कैसी है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन जो जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है इसके ओनर से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी को लेने के बाद, क्योंकि हमने तो अभी आपको ओवरव्यू दिया, बार बार से चीज़ें बता दी है। जो गाड़ी को चलाता है वो सबसे बेस्ट बता सकता है, तो अब उनसे बात करेंगे इस कार की ड्राइव और इसका ओनर्स रिव्यू। थोड़े से ब्रेक के बाद थोड़ा सा पानी पी लूँ यार, मैं सांस ले लेती हूँ, फिर से मिलती हूँ आपसे दोबारा। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऐश कीजिए, लव यू ऑल, बाय।